क्या होगा भाई? मजेदार कुल्फा गिनी वाला उनके लिए जो मेरे बीवर प्यारे बहन भाई मुझे देख रहे हैं। तो जी यहाँ पे मैं कुल्फा जो ले आई थी इसको कर रही हूँ साफ, क्योंकि इसको जो है ना पहले साफ करना पड़ता है, इसमें बड़ी मेहनत होती है। एक एक पत्ते को चुनना और फिर जो है ना ये पकता है और फिर जब खाते हुए इसको टाइम लगता है, वो पता भी नहीं लगता कैसे चाट बाट हो जाता है। और इधर एक चीज़ आपके साथ और भी शेयर करनी थी, ये जी हमारी आ गई है शीट उस पर लगने के लिए अपनी, हमारी जो हट है खूबसूरत सा छपड़ी, क्योंकि वहाँ पे सारी बिल्लियों ने कूद कूद के ना और सारा उसका जो स्पॉट है वो सारी टूट गई है, कीलें वगैरह सारी, कितनी दफ़ा हम लोग सही कर चुके हैं, वो सारे छनांगे लगा लगा के ना तोड़ देते हैं। देखें ये सारी जो है ना टूट गई है, सारी बिल्लियाँ जो है ना छलांगे लगाती हैं और सारी जो स्पॉट है ना वो सारा टूट गया और इसका जो शापर है वो भी खत्म हो गया, गल गया कुछ धूप से और कुछ बारिश के पानी से। तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम जो है ना इसको नीचे स्पॉट को सही करके ना फिर जो ये शीट है ना ये हम ऐसे मोड़ के ना इसको बिछा देंगे और कीलों से और जो है ना सारा इसको यानी कि मजबूती से काम यानी कि हो जाएगा और सारा फिर ये कवर भी हो जाएगा और ये फिर चाहे बिल्ली छलांगे लगाए चाहे कुत्ते लगाए फिर ये इसको यानी कि महफूज रहेगा, खराब नहीं होगा। और असल में हमारे पास आई हैं मेहमान बिल्लियाँ, ये पता नहीं कितने अरसे तक हैं कितने अरसे तक नहीं है, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास किसी की आई हुई है और ये पता नहीं शायद कब चली जाए और कब ना जाए, तो उनकी बिल्लियों की वजह से ना और बिल्लियाँ इधर आती है हमारे घर में ना, तो इसलिए भी ज़्यादा नुकसान हमारा ये हो गया हट का। तो मैंने यही कहा है कि मैं जो है ना ये वाला जो है ना शीट वाला काम भी करूँगी, ये तो हमारा वो मजबूत भी हो जाएगा और खूबसूरती में भी इजाफा हो जाएगा। बारिश बहुत सुबह से तेज़ हो रही है आज जो है ना, सुबह 8 बजे की, बल्कि उससे भी पहले की हो रही है ना बारिश, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं और ऐसे ज़ोरदार बादल गरज रहे हैं कि जैसे कहीं से ना बिजली गिर गई हो। और मैंने ना जुयान को भी मदरसे भेज दिया बेचारे को बारिश में। क्या कर रहे हो? इधर दाना रखा हुआ है पिंजरे की छत पे, देखो पड़ा है, गीला ना हो जाए। तो बड़े दोगे कर दे और बारिश भी। मैं आपको कह भी रही हूँ कि आज आपने बाहर जाना है शहर से तो आप ना जाए, मुझे डर लग रहा है, बारिश भी हो रही है और कहीं ना अल्लाह ना करे पहले भी बारिश, ये कहते हैं वहाँ पे बिजली गिरी थी भाई, अब बारिश रुकेगी तो ही तो जाना ही जाएंगे, बारिश में तो नहीं आते। हाँ तो मुझे डर लग रहा है भाई, अब छोड़ दे अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। कोशिश तो यही है कि भाई अगर बारिश हो रही है तो नहीं जाए, बारिश रुक जाए ना फिर बेशक चले जाना, मना नहीं है फिर। हाँ जी मैंने बेचारे ना जुयान को भी भेज दिया बारिश में ना, भाई करो ना ढीलो के आ गया मासूम ना बैठा शुगा, सारा समझ रहे बात को भाई हम क्या कह रहे हैं। जुयान ने ना बेचारे को ना बारिश में भेज दिया, मुझे डर लग रहा है अल्लाह मालिक है, सुबह जब मैंने उसको भेजा ना उस वक्त बारिश रुक गई थी। हाँ पहले बारिश हुई है फिर बारिश रुक गई है, फिर तुमने जुयान को भेजा है अब उसके जाने के बाद फिर बारिश शुरू हो गई है और बादल कितने जोर के गरज रहे हैं और बारह दौर से डर लग रहा है। हाँ अपनी खैर वाली हो रहमत वाली बारिश हो, पहले भी कहते हैं बारिश हुई ना वहाँ पे सारा बिजली गिरी थी तो पहले रात पूरी ईद से पहले ईद के 2 दिन बाद। अभी देखो फिर बादल की आवाज़ बड़ी जोर की आ गई, बारिश के बाद वापस जो सूरज चाचू है निकल आए थे बड़े जोर शोर से और जुम्मे की नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी और जुम्मे की नमाज़ में बड़ी तेज़ धूप निकल रही थी, ऐसे लगता था जैसे आसमान को किसी ने बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया। कितना प्यारा लग रहा है आसमान ना, उधर कबूतर, तो इधर में हमारा जो दाना है वो भी खुश्क हुआ पड़े पानी वगैरह, फिर पानी भी डालते हैं टोकरी में, दाना भी ख़त्म हुआ पड़े वो भी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
और यहाँ पे जी मैंने आटा भी गूंद लिया, और आज मैं जो बना रही हूँ कुल्फा साग चिकन, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आज जुमे का दिन था माशाल्लाह से, सुबह से बारिश हुई है, फिर धूप की कलाई है, और फिर हम लोगों ने काम शाम किए घर के, और उसके अलावा नमाज़ वगैरह पढ़ गया, फिर अब जो है ना अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और वहीद साहब दो गए हुए हैं शहर से बाहर, वैसे तो वो जुमे को यहीं होते हैं घर पर, और आज नहीं है, तो मैं अकेली ही अपनी जो रेसिपी है बच्चों के साथ शेयर भी करूँगी और पकाऊँगी और आपके साथ खाएँगी भी। फ्रीजर में चिकन पड़े बोले आप, इसमें जी प्याज नहीं डालेगा, इसमें बहुत सारा ना हरा अदरक और लहसुन डालेगा। और यहाँ पे मैंने चिकन जो है ना वो धो के रख दिया था, ये फ्रीज हुआ हुआ चिकन था मेरा धुला हुआ, तो जैसे मसाले की जो खुशबू है ना वो आएगी और हम लोग उसमें डाल देंगे चिकन, भूल गया चिकन डाल देंगे इसमें, और इसके बाद थोड़ा कष्ट है चिकन को फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। माशाल्लाह जी हमारा ये चिकन जो है ना मसाला काफ़ी ज़्यादा भुन गया है, टमाटर वगैरह भी गल गए हैं, और इधर साग को मैंने साफ़ करके रख दिया था कि इसे इसको साफ करते हुए बड़ी मेहनत होती है, ये एक दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था, और अब ये जैसे पिघलेगा इसको मैं अभी ढक के रख रही हूँ, और मैं पढ़ रही हूँ नमाज, नमाज मगरिब का टाइम हो जाएगा, जब तक मैं नमाज पढ़ूँ तो मेरे दोस्तों ने और क्या बोलूँगा। ये है जी शाम का मंजर, कितना खूबसूरत, अभी कोई पता नहीं है कल फिर दोबारा हो सकती है बारिश। हमारी कुल्फा साग चिकन की फाइनल लुक, और ऐसा आँच मैंने इसके लिए रख दी थी, और ये इसका जो ऑयल है वो निकला है, और अच्छे तरीके से भुनाई भी इसकी हो गई है, और अब मैं बना रही हूँ रोटी। ये है जी हमारा रोटी है, ताजी ना तेरे ओ है ना ड्रेस देखो, लोग पेंट पाती बैठे, फिर अंग्रेज आई ओ टोपी से वो पाती बैठे सलवार कमीज, यानी कि अंग्रेज साहब बना बैठे थे वो अंग्रेज बनी बैठी, अंग्रेज दे रहे थे दुनिया अजान के कपड़े पाती बैठे, आप कहीं जाओ चांद को चांद हमने लाइटें जी इसलिए बंद की है कमरे के अंदर, बिल जो है वापस गर्मी भी हो रही है, और वैसे तो दो दिन बारिश आ रही है, क्या गिराया गया हमें हमारी जो कुर्सी थी अभी शाही दाग वाली वो अभी गिरते गिरते टूट जाती, लेकिन शुक्र है बच गई है, इस नुकसान से भी हम लोग बच गए,
और बाकी खाना खा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे जो प्यारे बहन भाई ना वो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप करेंगे तो प्लीज़ ये आपकी मेहरबानी होगी और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे हमारे जो है ना सब्सक्राइब भी बढ़ें और हमारे व्यूज भी बढ़ें, ताकि हम भी अपनी बुलंदियों पर चढ़ जाएँ अपनी कामयाबियों के साथ। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़।